हेलो फ्रेंड, नमस्कार। ऐसे तो आप कितने सारे नाश्ता बना के खाए होंगे, लेकिन आज मैं बची हुई रोटी से इतना स्वादिष्ट, इतना हेल्दी नाश्ता मैं बताऊंगी बनाने की। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर हमने गाजर ले लिए हैं, शिमला मिर्च ले लिए जो लंबे लंबे हम काट लिए स्लाइस में, और देख सकते हैं शिमला मिर्च भी हम काट लिए हैं। यहाँ पर हमने प्याज ले लिए हैं, अदरक ले लिए, हरी मिर्च ले लिए हैं, तो सारी सब्जी को हमने काट लिए हैं। यहाँ पर हमने पत्ता गोभी ले लिए, तो पत्ता गोभी हमने हाफ लिए हैं। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दी है। कढ़ाई चढ़ाने के बाद तेल में 2-3 चम्मच हमने तेल डाल दिए हैं, तो हमने रिफाइंड ऑयल तेल का यूज़ किए हैं। तो यहाँ पर हमने अदरक डालकर अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। उसके बाद हरी मिर्च डाल देंगे। तो आप अपने अनुसार से सब्जी ले सकते हैं, आपको जो भी सब्जी पसंद है वो सब्जी आप डाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमने गाजर लिए थे, इसको भी इसमें डाल के अच्छी तरह से भून लेंगे। तो सब्जी वो सारे को अच्छे से भून लेंगे, ज़्यादा हम सॉफ्ट नहीं भूनेंगे। यहाँ पर हमने शिमला मिर्च डाल दी, तो इसको भी अच्छी तरह से इसको भून लेंगे। तो इतना अच्छा टेस्टी हेल्दी नाश्ता बनेगा, और बच्चों लोग के तो बहुत पसंद आएगा। तो इस तरह से आप बना के एक बार ट्राई कीजिएगा। यहाँ पर हमने प्याज डाल दिए हैं, तो प्याज भी अच्छी तरह से भून लेंगे। इसको इसमें सारे सब्जी को अच्छी तरह से भून लेंगे। अगर आपको शिमला मिर्च पसंद है तो डाल सकते हैं, नहीं पसंद है तो स्किप कर सकते हैं। पत्ता गोभी भी नहीं डाल सकते, आपको नहीं पसंद है तो बीन्स है तो वो भी डाल सकते हैं। बच्चे को इतनी सारे हेल्दी सब्जी का आप इस रोल बना के दीजिएगा, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। तो यहाँ पर हमने टमाटो केचप डाल दिए हैं 1 चम्मच। यहाँ पर सोया सॉस डाल दिए हैं, थोड़ा सा और हमने सोया सॉस डाल दिया। यहाँ पर हमने रेड चिल्ली डाल दिए हैं 1 चम्मच के करीब में। थोड़ा थोड़ा हमने सारे सॉस को डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर लाने के लिए, स्वाद जो बच्चे सब हरे सब्जी का मतलब जो टेस्ट होता है वो नहीं लगे। यहाँ पर हमने 1 चम्मच विनेगर डाल दिए हैं, थोड़ा सा हमने काली मिर्ची पाउडर डाल दिए हैं। तो इस तरह से सारे सब्जी को अच्छे तरह से भून लेना है। सारे सब्जी को हम भून लेंगे, उसके बाद हमने स्वाद अनुसार नमक डाल देना है। तो इस तरह से आप सब्जी को भून लीजिए, और रोटी जो बचे हुए रोटी से रोल बना के बच्चे लोग के खाने को दीजिए। बड़े भी खा सकते, बच्चे भी खा सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। तो यहाँ पर हमने सब्जी को निकाल लेते हैं, और इतना टेस्टी बनता है कि आप चाहेंगे कि हर बार मेरे रोटी बचे और इस तरह से हम बना के बच्चे को खिलाएं और खुद भी खाएं। इतना अच्छा ये रोल बनेगा रोटी का, बहुत टेस्टी लगता है, एकदम बिल्कुल लगेगा कि जैसे मार्केट वाला रोल हम खा रहे हैं उसी तरह से। तो चलिए, यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है, यहाँ पर हमने तेल अच्छे से ग्रीस कर दिया। अब क्या करेंगे, रोटी को हमने सेक लेना है। तो दोनों तरफ से रोटी को हल्का हल्का हम सेक लेंगे, और ऊपर से भी ऑयल हम इसमें लगा दिया, और तेल को हमने लगा दिया ऑयल को। तो अच्छी तरह से इसको सेक लेंगे, उलट पलट कर इसको अच्छी तरह से सेक लेना है। और इसमें बाद जो हमने सब्जी जो वगैरह जो बनाई है इसमें हम भर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर हमने केचप डाले हैं, और थोड़ा सा हमने रेड चिली डाले हैं। तो दोनों को हमने अच्छे तरह से मिला लिए हैं। इससे क्या हुआ कि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और इतना अच्छा खाने में लगेगा, इसलिए आप टमाटो केचप और रेड चिली दोनों मिला के बनाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा। और बच्चे को खिला रहे तो थोड़ा कम तीखा बनाइए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर हम जो अपना फिलिंग है उसको हम भर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे इसको धीरे धीरे इसको हम रोल करेंगे। तो हम पैन में भी रोल करके दिखा रहे हैं कि इस तरह से आप रोल कर सकते हैं। तो फिर भी क्या होता है कि थोड़ा सा गर्म रहता है तो हाथ जलने का डर रहता है, इसलिए फिर भी ये अच्छे से बन गया है। तो देख सकते कितना अच्छा रोल हो गया है। यहाँ पर हम थोड़ा सा तेल लगा दिए हैं, आप चाहे तो बटर, घी या तेल कुछ भी यूज कर सकते हैं और लगा सकते। तो गैस को हमने थोड़ा सा बंद कर दिए थे थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने गैस ऑन कर दी, और कितना अच्छा रोल बन के रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे रोल हम बना लेंगे। अगर आपके बच्चे घी पसंद करते तो घी लगा के ज़रूर बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनता है, और खाने में तो बिल्कुल इतना स्वादिष्ट लगेगा। चलिए, यहाँ पर हमने
एक रोटी को हमने सेक लिए थे और बता रहे कि यहाँ पर भी आप बना सकते हैं ऐसे करके। तो ये उसी तरह से हम केचप और रेड चिल्ली की जो है उसको हम इसमें रोटी में लगा दिए हैं। अब यहाँ पर जो मेरा फिलिंग है सब्जी जो हमने भून के रखा था इसको भी इसमें रोल करेंगे। तो इस तरह से आप बना सकते हैं, आप तवे पे भी बना सकते हैं, पैन है तो पैन में भी बना सकते हैं। चाहे इस तरह से आप रोटी को सेक लीजिए, उसके बाद केचप लगा लीजिए, उसके बाद रोल कर लीजिए। तो इस तरह से सारे रोल अप कर सकते हैं, थोड़ा सा भी इसको सेक सकते हैं, गरम कर सकते हैं घी या बटर के साथ ही। तो इस तरह से हमने सारे रोल बना के रेडी कर लिए हैं। तो इतने सारे हमने रोल बनाए हैं और देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है। तो भले ही आप लोग लग रहा हो कि बचे हुए रोटी से कैसा बनेगा नाश्ता, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे तरीके से। और मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार देख रहे हैं प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए बेस्ट रेसिपी को। और इस तरह से हमने नाश्ता बना के रेडी कर लिया, रोल बना लिए हमने वेजिटेबल से, इतना अच्छा रोल लगता है खाने में। तो एक बार ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। अच्छा लगा हुआ मेरा वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और देख सकते कितना अच्छा इसमें सब्जी दिख रहा है, खाने में बिल्कुल एकदम टेस्टी लगता है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय।